जिंदाबाद साथियों, एका भोपाल की तरफ से सभी को हेलो। आज हम लोग एका के प्रवास टीम की तरफ से एक रैपिड असेसमेंट स्टडी के रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इसमें आपके सुझाव की अपेक्षा रखते हैं। हम लोग ये स्टडी डेडिकेट करते हैं जोस पायपल्ली, अनिंदो बैनर्जी, बीएल शर्मा जी और दविंदर कौर उपल मैम, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, फिजिकली नहीं रहे, बट दे विल कंटिन्यू टू गाइड एंड सपोर्ट अस इन देयर थॉट्स। कवर पेज पे रिपोर्ट की अगर आप देखेंगे तो ये फोटोग्राफ जो निघत ने क्लिक की है, ये फोटोग्राफ करण की है। करण एक माइग्रेंट लेबरर रहे, जो छिंदवाड़ा से यहाँ भोपाल में काम के सिलसिले में आए थे। वो और उनकी वाइफ एक रेंटेड क्वार्टर्स में रहते थे और उनको कोविड के दौरान पैरालिसिस हुआ, जिससे उनका लोअर वेस्ट से डाउनवर्ड्स वो इमूवेबल हो गया था उनका बॉडी, और एज अ रिजल्ट ऑफ बेड सोर्स और अन्य इन्फेक्शंस की वजह से उनकी लोअर बॉडी डिकम्पोज होना शुरू की हुई थी। मकान मालिक और बाकी अन्य नेबर्स के प्रेशर्स के वजह से उनको मकान खाली करना पड़ा और वो ऐशबाग थाने के सामने पड़े रहे और इलाज के लिए वेट करते रहे। उनका मेन कंसर्न था कि उन्हें जैसे तैसे छिंदवाड़ा वापस अपने घर वो जाना चाह रहे थे और इसमें उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। कोविड वॉलंटियर ग्रुप्स, कई सारे ग्रुप्स ने मिलकर उनका सपोर्ट किया और उन्हें हमीदिया में इलाज के लिए भर्ती कराया, बट वो वहां से चले आए और 2-3 दिनों में ही उनकी डेथ हो गई। तो ये है करण, हमारे मोस्ट पुअरेस्ट जो सिटीजन माने जाएंगे भोपाल के, एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन माने जाएंगे, जो अब नहीं रहे एंड कोविड के लहर में वो चले गए। इन्हीं को हम इन्हीं के साथ हम लोग ये बातचीत शुरू करना चाहेंगे। ये स्टडी जो है, ये शहरी पुअर के स्टेटस को जानने समझने की कोशिश है, खास करके कोविड के सेकेंड वेव के समय पे। रैपिड स्टडी थी, इसीलिए हम लोगों ने उसे बहुत जल्दी 1 महीने के अंतराल में किया। स्टडी को करने वाली परवाज टीम है, जो एक पैरालीगल वर्कर्स की टीम है। 4-5 साथियों ने मिलकर इसको किया और कुछ साथियों ने इसे कोऑर्डिनेट और टूल मेथडोलॉजी डेवलप करने में मदद करी। एनालिसिस में हम सब जुड़े थे। ये रिपोर्ट क्यों हम निकाल रहे हैं, इसके हम लोग कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे। तो पहला, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एविडेंस बेस्ड डेटा जनरेट कर सके, खास करके कोविड वेव के समय पे, जब वो पीक में चल रहा होता है, उस समय का डेटा हम रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। पॉलिसी मेकर्स है, पीपल्स कैंपेन्स है, नेटवर्क्स है, सीएसओस है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहते हैं स्टडी के फाइंडिंग्स के द्वारा। कुछ इश्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि स्टेट एक्शन हो, खास करके जहां पे लोगों ने अपनी राय दी है और जो ये स्टडी के थेमेटिक एरियाज रहे हैं। एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जो अभी फिलहाल तो फंक्शनल नहीं है हमारे जानकारी में जितनी बात है, तो इस तरह के एसडीएमए जैसे एजेंसीज और अन्य पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज को इन्फॉर्म करना, ताकि वो कोविड प्रिपेयर्डनेस में जो भी कदम उठाने हो उसकी तरफ ये स्टडी और इस जैसे कई सारे स्टडी उनको इन्फॉर्म करें, और करंट वेव में जितने भी अनमेट नीड्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश, और आने वाले जो कोविड वेव 3 की वार्निंग्स है उसको, उसकी तैयारी के लिए, डिजास्टर के लिए तैयारी के लिए ये सारे एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्म करें। हमारे अपने स्तर पर हम कुछ ऐसे एक्शंस इनिशिएट करें जो परवाज लीगल एड सेल कर ही रही है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरों जो डेली वेजेस मजदूर हैं, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी जानकारी इकट्ठा करें, ताकि वो उनका एक दस्तावेजीकरण हो। साथ ही में पीडीएस और कोविड वैक्सीनेशन जैसे की इश्यूज हैं, उसको लेकर आगे के लिए तैयारी और उसको उसके फॉलोअप में हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। हम भी खुद बस्ती लेवल पर, जहां जहां बस्तियों में हमारी प्रेजेंस है, उन बस्तियों में हम कोविड वैक्सीनेशन और फूड सिक्योरिटी, खास करके हेल्थ
बोथ कोविड एंड नॉन कोविड हेल्थ को लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू सर्विसेज का जो भी मामला है वो हम लोग अपने लेवल से करने की कोशिश करें, और साथ ही हम लोग एज अ लीगल एड सेल जो भी एडवोकेसी एक्शंस अपेक्षित है उसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। अन्य जन संगठन और नेटवर्क्स, पीपल्स कैंपेन्स, पीपल्स नेटवर्क, एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ ये डेटा जब हमने कलेक्ट किया वो मई का महीना था, कंप्लीटली मई महीने में हमने ये पूरे डेटा को कलेक्ट किया है। लगभग कोविड का वेव सबसाइड करने के ऑन द वे टू सबसाइड होने के टाइम पे था जब ये डेटा कलेक्ट हो रहा था। इस समय में कोविड वॉलंटियर ग्रुप्स जो थे, मोर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कोविड वॉलंटियर ग्रुप्स समूह जो है वो एक्टिवली जमीन पर काम कर रहे थे, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट हो, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो अन्य किसी तरीके से इमरजेंसी और एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज तक पहुंचने का जितना भी काम है वो ये वॉलंटियर ग्रुप्स कर रहे थे। और यही समय में जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिसिंग रहे हैं और कई सारे अनाउंसमेंट्स भी इसी दौरान हुए हैं, खास करके पीडीएस से 5 महीने का राशन का जो अनाउंसमेंट था वो इसी दौरान था। इसी दौरान रमजान का भी महीना था, 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन था वो अनाउंसमेंट May 1st से रोल आउट होने का अनाउंसमेंट था। रेमडेसिविर प्लाज्मा थेरेपी को मना कर दिया गया था कि ऐसे सिंगल मोस्ट इस पे फोकस नहीं किया जाए, ये इसी दौरान हुआ। मई महीना सबसे हॉटेस्ट मंथ भी रहा है और खास करके सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में काफी डिफिकल्ट गुजरता है उन फैमिलीज के लिए जो बहुत ही छोटे घरों में रहते हैं, अनप्रोटेक्टेड होमलेस लोगों के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट महीना गुजरता है। एग्जाम्स रीशेड्यूल होने का समय था, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स थे, बरियल ग्राउंड्स थे, वहां से जो डेथ की डेटा आ रही थी उसका और जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज हो रही थी उसमें काफी बड़ा, बहुत ज्यादा मिसमैच आने का भी खबर इसी समय का था। साथ ही मैं टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया पे जो भी चैनल्स थे वो पूरे कोविड फोकस न्यूज ही रिले हो रहे थे, ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, और लोगों को अन्य जो जरूरी एसेंशियल न्यूज की जरूरत थी वो इस समय पे काफी कम रहा। सबसे डिफिकल्ट ये पीरियड जो मई अप्रैल मई का रहा, हाफ ऑफ अप्रैल एंड मई का जो पूरा महीना रहा वो सोशल मीडिया पे, खास करके जो व्हाट्सएप जैसे चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन का काफी भारी तादाद में फ्लो हुआ। तो लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन के बजाय काफी सारा मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफिकल्टीज और चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं। इस पूरे संदर्भ में हमारी टीम ने ये कोशिश की है, ये पूरी स्टडी जो है हमने हमारे संपर्क के 45 to 50 बस्तीस जहाँ पे हम लोग इनकी कॉलिंग और फिजिकल वर्क होता है वहां पे हमने किया है। कई सारी बस्तियां भोपाल की छूट भी गई है। जो ये टीम काम कर रही थी, ये टीम दोनों काम कर रही थी, कोविड के जो इमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज है उसमें भी काम कर रही थी और साथ में ये सर्वे का भी हैंडलिंग कर रहे थे। ये सारा स्टडी और सर्वे जो हुआ है वो फोन कॉल के थ्रू हुआ है। प्रत्येक फोन कॉल जो है 17 मिनट से लेके 25 मिनट का ड्यूरेशन एक फोन कॉल का रहा है और लोगों ने काफी विस्तार से बात किया है। करीबन 200-250 लोगों ने मना भी किया है बात करने से और कोई फोन कॉल्स लगे भी नहीं है, गलत नंबर हुए हैं। ये सारे हमारे पास डेटा इस तरीके से इकट्ठा हुआ है। ये डेटा हमारे पास कहाँ से आया, तो हम जो रेगुलरली प्रवास के ओर से सोशल प्रोटेक्शन कैंप्स करते हैं बस्तियों में, जहाँ पे हम लोगों को उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, इन्हीं कैंप्स के थ्रू और हमारे मजदूर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने रिविजिट करके इन्हीं के थ्रू हमने डेटा कलेक्शन किया है। तो मैं इन्वाइट करूंगी हमारे टीम के सदस्यों को कि वो अपनी रिपोर्ट को शेयर करें और हम लोग आप सभी को वेलकम करेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में प्लेस करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि इसे रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू सीमा।
दोस्तों, ये जो अभी आपने बात की सुनी, इसमें कई सारे साथियों का सहयोग रहा है, और जो मेजर जो फोन कॉल्स किए हैं वो सायरा, निगत, प्रदीप और अमरीन ने किए हैं। चारों साथी अभी हमारे साथ में हैं। हम चाहेंगे कि एक एक करके वो पहले अपनी बात करें और अपने अनुभव जो जिस फील्ड में उन्होंने किए हैं तो उनके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं सायरा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब ये स्टडी की और इस स्टडी के दौरान लोगों से बातचीत की, तो इस बातचीत में आपने खास करके महिलाओं और बच्चों की जो स्थिति है लॉकडाउन के दौरान, वो क्या महसूस की, और इसका कोरोना लॉकडाउन का बच्चों और महिलाओं पर क्या असर हुआ है, इस बारे में शायरा संक्षेप में अपनी बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सायरा खान है और मैं परवाज लीगल एडसेल की टीम की वर्कर हूँ। जब हमने लॉकडाउन के समय परवाज हेल्पलाइन का संचालन किया और जमीनी स्तर पर हमने लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन में और कोरोना बीमारी के कारण लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, तब हमें पता चला कि महिलाएं किस तरह की मानसिक स्थिति से पीड़ित हो रही हैं। लोगों के काम बंद हो गए, उनकी रोजगार के जो अवसर थे वो पूरी तरीके से समाप्त तो हो गए। जब इस संदर्भ में हमने एक मुस्कान नाम की महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं बर्तन मांजने का काम करती हूँ और किराए के घर में रहती हूँ। परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है जिससे मुझे कहीं से राशन प्राप्त हो सके। काम बंद होने के कारण आय कहीं का कोई साधन नहीं है और इस समय कोई उधार भी नहीं दे रहा है, तो 2 वक्त का खाना मैं बच्चों को कैसे खिलाऊं? साथ में बच्चों की पढ़ाई की भी टेंशन, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, किराए देने की परेशानी, किराया समय पर नहीं देने के कारण मकान मालिक जो है वो परेशान कर रहे हैं, आप घर खाली कर दो। इसके कारण जो है कई बार हमारे परिवार में झगड़े भी उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास आय का कोई साधन ही नहीं है जिससे इन समस्याओं का हम समाधान कर सके। यही कारण है कि आजकल मेरा जो मानसिक स्तर है वो काफी तनावग्रस्त और आर्थिक तंगी को लेकर बहुत ही मैं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य भी दिनों दिन खराब होता जा रहा है। साथ ही जब दूसरी तरफ हमने बच्चों से बात की तो पता चला कि बच्चों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई कोई उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। यदि देखा जाए तो एक तरीके से बच्चों का मानसिक स्तर और विकास रुक गया है क्योंकि उनके स्कूल बंद हो गए, खेल के मैदान बंद हो गए, स्कूल जाकर साथियों के साथ खेलकर जो उन्हें खुशी मिलती थी वो उससे पूरी तरीके से दूर हो गए। बच्चे शिक्षा और खेल हर प्रकार की गतिविधियों से दूर हो रहे हैं। बच्चे घर में एक कोने में बैठकर काफी बुरा महसूस करते हैं, या तो वो अपना टाइम टीवी देखकर व्यतीत करते हैं या फिर एक कोने में बैठे रहते हैं। अगर माता पिता से चीज के लिए पैसे मांगते हैं तो उन्हें मार पड़ती है, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि चीजें उत्पन्न हो रही हैं और वो भी एक
मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जी शुक्रिया शायरा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, जो पूरी स्टडी में भी निकल के आया है कि महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि लोगों की कमाई कम हुई है, लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं था और सबसे ज्यादा उन्होंने जो कटौती की है वो इसी में की है, महिलाओं और बच्चों के खर्चे में की है, और साथ में महिलाओं और बच्चों के स्पेस भी कम हुए हैं, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं आई हैं। हम जब स्टडी के नतीजे अभी जारी करेंगे और उसमें भी आंकड़े भी ये बात साबित करती हैं, इसमें सामने आई है। निगत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन परिवारों से आपकी बात हुई है उनकी राशन की स्थिति क्या है, जो नौकरी काम धंधे कितना प्रभावित हुए हैं, और क्या लोगों ने रोजगार भी बदले हैं इस दौरान अपने? निगत, आप विस्तार से इस बारे में बताएं थोड़ा। निगत माइक ऑन कर लीजिए अपना। जिंदाबाद जी साथियों। जैसे आपने बोला तो लोगों के रोजगार पे काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा, क्योंकि 1 साल होने को आए, लोगों के रोजगार सही तरीके से अभी उभरे भी नहीं थे, सेकेंड टाइम लॉकडाउन लगे, तो जिसकी वजह से जिन लोगों से 300 परिवारों से मैंने बात की है, जिसमें ये पता चला है कि उन 300 परिवारों में से किसी का भी रोजगार अभी बिल्कुल नहीं चला, सारे रोजगार बंद हो गए। और अगर हम राशन की बात करें तो उनके पास 2 वक्त के राशन भी नहीं है जिससे वो अपना घर चला सके, क्योंकि जो पहले का जो राशन रखा हुआ था उसको उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन अभी उनके पास कोई राशन नहीं है जो अपने घर में, बोलते हैं ना कि होगा तो खा लेंगे, लेकिन इस तरह का कोई राशन नहीं है। और काम की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मजदूर वर्ग से हम लोगों ने बात की है, तो मजदूरों का कहना ये था कि जब से लॉकडाउन लगा है तो जो काम करने जाते थे उस हिसाब से उन्हें काम भी अब पूरा बंद हो गया है। जिसका अनुभव है काम करने में ज्यादा, जिसको 500 रुपये प्रतिदिन मिलता था, अब उनको 100 रुपये दिन का मिल रहा है, तो इस काम में भी उनके कटौती हुई है इस दौरान लॉकडाउन को देख रहे हैं हम लोग। तो उसमें यही बता रहे हैं कि काम, और ये भी है कि जो लोग यहाँ मजदूरी करने आए थे तो जब जब से लॉकडाउन लगा है तो वो यहाँ से वापस भी पलायन करके अपने गांव में रहने चले गए, ताकि गांव में रहेंगे तो इतना खर्चा नहीं हुआ, यहाँ उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये भी है कि इस दौरान लोगों ने अपने काम भी बदले हैं, क्योंकि जिनके पास जैसे होटल थी या टॉप एंड टाउन था तो उन्होंने अपने होटल्स बंद कर, क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो अनुमति नहीं थी खोलने की, और इतनी बुरी तरीके से रोजगार पिटा है कि लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी दुकानों को छोड़कर अभी फल फ्रूट बेचने का काम करना शुरू कर दिया है, जैसे सब्जी बेच रहे हैं लोग, जो चाय की दुकान जिनकी थी वो लोग अभी घरों घर ले जाके चाय बेचने का काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से रोजगार पे तो काफी प्रभाव पड़ा है। हेलो, जी शुक्रिया निगत, बहुत ज़रूरी बात कही आपने। लॉकडाउन जो पहला, निगत जो बात कह रही हैं कि लॉकडाउन जो पहला वाला लगा था उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे संभलना शुरू ही किया था कि दूसरा लॉकडाउन आ गया और उसकी वजह से स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई, उससे उबर ही नहीं पाए हैं, और अब घर में जो खाने का सामान था उसकी भी किल्लत होने लगी है। लोगों ने अपने रोजगार में भी बदलाव किया है और ये मेजर चेंजेस हैं। जो लोग काम धंधा करते थे उन्होंने सब्जी के फल ठेले ज्यादा लगाने शुरू किए, और उसकी वजह से जिनके पहले काम धंधे चलते थे उनका भी बिक्री में असर आया है। अमरीन, आपने लंबे समय तक किया जो सर्वे किया, और इस दौरान आपका, जहाँ तक मुझे निजी जानकारी है, कि आपके परिवार में भी बीमारियों से लगातार परेशान होती रही आप, आपने जिन परिवारों से बात की है उनमें बीमारियों की क्या हालत है, खासतौर से नॉन कोविड, मतलब जो कोविड के अलावा भी क्या बीमारियां हैं, और क्या लोग इन बीमारियों में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या कोरोना की वजह से डॉक्टर के पास जाना कम हुआ है, और कोरोना के अलावा किस तरह की बीमारियां ज्यादा हुई हैं, इस पर अपनी बात अमीन रखें। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम अमरीन है और मैं पैरालीगल वर्कर से जुड़ी हूँ और अभी परवास टीम के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। जब मैंने सर्वे किए थे तो सर्वे के दौरान काफी लोगों से बात की,
जो उनके स्वास्थ्य को लेकर जाना और समझा था, तो ज्यादातर जो कोरोना के अलावा जो उनके स्वास्थ्य को लेकर जाना, तो ज्यादातर जो बीमारियां सुनने को मिली थी, सर्दी खांसी जुकाम होना, पेट में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की ज्यादातर बीमारियां सुनने को मिली। और मतलब ये जो बीमारियां जितनी भी थी इसको लेकर लोग घर में ही अपना जो भी घरेलू नुस्खे अपनाकर इलाज कर रहे थे वही, क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाने से डर था। एक ये कि हॉस्पिटलों में सरकारी जो हॉस्पिटल है उधर कोई सुविधाएं नहीं है और लापरवाही की जा रही है वहां पर, और भी ना मतलब अगर छोटी सी बीमारी है तो वो बड़ी बनकर निकल रही है, इस तरह की चीजों से लोग डर रहे थे और जिसके वजह से वो अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे थे, हॉस्पिटल से तो बिल्कुल दूर ही थे। जैसे तैसे अपने घर में इलाज करना, घरेलू नुस्खे अपनाना, अगर नहीं बनता या ज्यादा हालत खराब होती तो आसपास के मेडिकल से दवा ले लेना या फिर आसपास के क्लिनिक से दवा लेना, जहां पर मतलब थोड़े से पैसों में जो दवा आती थी वो अभी कोरोना के टाइम ज्यादा पैसों में दवा ली दी गई। और साथ ही अगर पेट दर्द है तो क्या बीमारी है उसको लेकर नहीं, लेकिन दर्द की दवा दी गई इसको लेकर डॉक्टर ने, या मतलब क्योंकि क्लिनिक में इतना कुछ सुविधा नहीं रहती है जिसके वजह से है ना इंसान को सही बीमारी क्या है या फिर क्यों हो रहा है पेट में दर्द या फिर क्यों बुखार आ रहा है बार बार, इस तरह की पकड़ नहीं कर पाए, तो लोग इससे भी डरे हुए थे। इसी तरह एक केस भी सुनने को मिला, आफरीन है जिनकी उम्र 11 साल थी, उनको उनका केस था कि उनको पेट में मतलब पहले से ही दर्द था। जब पेट में दर्द था तो उनकी मम्मी ने आसपास की क्लिनिक से दवा ले ली क्योंकि उनको लगा कि नॉर्मल है और पेट में दर्द है, दवा खाने से ठीक हो जाएगा। दवा खाती थी तो ठीक हो जाती थी लेकिन उसके बाद वापस होने लगता था। क्या तकलीफ थी वो समझ नहीं पा रहे थे, डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो दवा दे दें हो जाए, नहीं दें तो फिर मतलब वापस होने लगे दर्द, तो इस तरह का रहा था। जब आफरीन की मम्मी ने बताया कि अगर जब मैंने फिर डॉक्टर को बताया और फिर हॉस्पिटल गई तो वहां पर जाकर जब उनकी जांचें हुई तो उनको वो बीमारी कुछ अलग निकली, उनके पेट में छाले हो रहे थे जिसके वजह से उनके पेट में लगातार दर्द हो रहा था। तो लॉकडाउन से पहले तो उनका इलाज अच्छा चल रहा था हमीदिया में और उनकी मम्मी रेगुलर ही हमीदिया से कंटिन्यू इलाज चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगा और ये कोरोना का इतना सुनने लगे तो उनकी मम्मी ने भी फिर वहां पर हमीदिया में लॉकडाउन के दौरान तो जाना छोड़ ही दिया था। तो उन्होंने वापस फिर से अपनी बेटी की दवाई लेना मेडिकल से लेना शुरू कर दी क्योंकि उनको डर था कि अगर हॉस्पिटल जाऊंगी तो वहां पर उसकी और हालत बिगड़ जाएगी, उसकी कोरोना की जांच होगी और डॉक्टर लापरवाही करेंगे, तो इस तरह के जो डर था वो उनको हॉस्पिटल की जो सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही थी जिसके वजह से आफरीन को नहीं लेकर जा पाए। और आज भी उनका यही मतलब कहना था कि मैं आज भी अभी भी नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोगों ने उनको समझाया और जाने को ज्यादा बोला, तब जाकर वो अभी शाकिर अली में उनका फिर से शुरू से इलाज करवा रही है। लेकिन आज भी उनको कहीं ना कहीं डर है कि हॉस्पिटल में चुपचाप से कोई जांच ना कर दें या फिर है ना दवाइयां टाइम पर नहीं मिलती या फिर रिपोर्ट्स के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं, इस तरह की मतलब आज भी वो उस सुविधाओं से डर है उनको कि जो सुविधाएं उनको मिल नहीं पा रही। थैंक यू अमरीन, आपने बहुत विस्तार से और बहुत खूबसूरती से बताया जो हालात थे उनको आपने बयान किया है। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेके भी तमाम तरह की अफवाहें चलती रहीं, वैक्सीनेशन पर राय बटी हुई थी, लोग करना नहीं चाहते थे। प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जिन लोगों से बात की उनकी वैक्सीनेशन पर क्या राय थी और इसमें खास तौर से इस बात पर कि कोरोना टीकाकरण की जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो कहां से मिल रही है उन्हें और क्या वो सूचना पर भरोसा कर रहे हैं, क्या स्थिति है? प्रदीप जी। जी साथियों जिंदाबाद। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों की धारणा है तो जो हम लोगों ने सर्वे किया तो उसमें 300 से अधिक परिवारों से हम लोगों ने बात किया तो उसमें जो शिक्षित वर्ग है तो शिक्षित वर्ग को ही वैक्सीन के बारे में कोई ऐसा इत्मीनान नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से हम सेफ हो जाएंगे। क्योंकि एक मेरी शिक्षक से बात हुई जो कि एक प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य ने जब वैक्सीन लगवाया उसके जस्ट बाद
उन्होंने मेरे को फोन किया, बोले कि प्रदीप जी मैंने वैक्सीन लगवा लिया है। तो मैंने पूछा कि कैसा है, ठीक? तो बोले हाँ ठीक है। लेकिन 3 दिन बाद उनका फोन आया तो वो काफी घबराए हुए थे और उन्होंने बोला कि मैंने अपना रेट करवाया है तो उसमें वैक्सीन में से कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उसके बाद जो है कोरोना वायरस हुआ है इनको। तो वो काफी घबरा गए क्योंकि इनकी दीदी की डेथ भी हो गई थी इस कोरोना वायरस से और इनके भांजे भी प्रभावित हुए, भतीजे भी प्रभावित हुए, तो वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा डर रहे थे ये लोग। तो उसमें से फिर जो हमारी परवाज टीम की जो हेल्पलाइन है तो उसमें से जब इनके और भी साथियों ने जब कॉल किया तो उनमें हम लोगों ने बताया कि क्या क्या ऐसे हो सकते हैं सिस्टम, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है, ये बात हुई। और शिक्षित वर्ग के अलावा जो हमारा मध्यम वर्गीय है और जो मजदूरी तबका का तबके के लोग हैं वो भी काफी सहमे हुए हैं, क्योंकि मैंने जानकी नगर के अरविंद से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे 30 से 40 लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया तो उनकी डेथ हुई है। हालांकि मैंने फिर जब और गहराई में इनसे बात किया कि आखिर कारण क्या था, इन लोगों को पहले से कोई बीमारी थी कि नहीं थी, एक आध दो की तो वो बता पाए, बाकी लोगों का नहीं बता पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा सचिन जी कि लोग बहुत सहमे हुए हैं वैक्सीन को लेकर के, कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं सेफ है, वैक्सीन के कारण लोगों की डेथ हो रही है और उसका जिम्मेदार कौन है। अगर हम मजदूर वर्गों की बात करें जिनसे हम लोगों की बात हुई है तो उसमें यही बात हुई है कि सरकार बोल रही है कि वैक्सीन लगवाइए, घर में फिर 7 दिन तक रहिए आप और पौष्टिक भोजन कीजिए। तो पौष्टिक भोजन हम लोग कैसे करें जब हमारे पास 2 जून की रोटी का कोई सहारा नहीं है इस लॉकडाउन में, तो हम पौष्टिक भोजन कैसे करें। इस पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वैक्सीन हमें लगवा के मरना है तो इससे बढ़िया हम कोरोना से ही मरें, वैक्सीन नहीं लगवाएं। तो लोगों की जो धारणा है, लोगों की जो ये मीडिया से जो खबरों का आदान प्रदान हुआ, कहीं कहीं पे गलत मैसेज लोगों के पास आए सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें से ये लिखा हुआ था, किसी ने बताया जब कॉल किए अपन तो, कि मतलब ये वैक्सीन लगवाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे प्रजनन क्षमता घट जा रही है इत्यादि बहुत सारी चीजें निकल के आई सामने। तो लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लोगों को समझाया हमने कि हमारी टीम ने कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे ये दिक्कतें होंगी बाद में, तो आप लोग प्लीज वैक्सीन लगवाइए। हालांकि मई के शुरुआत में ये ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन जब लास्ट मई तक हम लोग पहुंचे तो तब कुछ लोगों ने, जो 30% लोग हैं 300 में से, तो उन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। तो उन लोगों ने बताया अपना अनुभव कि हल्का शुरू में सर दर्द होता था, बुखार आता था और फिर सही हो गया, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई वो मैसेज को, अपनी बात को ज्यादा बढ़ा के और भी बताने का भी काम किए हैं। तो मतलब और लोग भी डर गए हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि क्या ये सेफ है कि नहीं सेफ है। जी शुक्रिया प्रदीप, आपने जानकारी दी कि लोगों के पास 7 दिन तक वेट करने का और उनको क्वारंटीन रहने का वक्त नहीं है, उनके पास राशन की कमी है, काम की कमी है। साथियों, ये अभी आप सुन रहे थे हमारे 4 महत्वपूर्ण साथियों की बातचीत जिन्होंने इस सर्वे में अपना समय दिया और लोगों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जो मोटे तौर पर जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि पहली बात तो सरकार के स्तर पर एक तरफ आदेश दिए जा रहे थे और दूसरी तरफ लोग किसी और परेशानी से प्रभावित थे। कई सारे ऑर्डर्स लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जानकारियां नहीं पहुंच पाई हैं। जो राशन के बारे में घोषणाएं की 5 महीने में दिया जाएगा, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई दिया है, कई लोगों को राशन नहीं मिल पाया है, इस तरह की स्थिति आई है। साथ ही जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आई है कि लॉकडाउन के बाद में जो लॉकडाउन किया वो मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन साथ में जो पहली बार में भी जिस तरह से राशन की कमी आई थी, अफरा तफरी मची थी, उससे कोई सबक ना लेते हुए सरकार ने इस बार भी उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की थी।
बार बार आदेश बदले जा रहे थे, कब कौन सी दुकान खुलेगी, राशन की दुकान कहाँ तक खुलेगी। ये लगातार आया कि राशन की दुकानों को, गली मोहल्ले की जो राशन की दुकानें हैं वो बंद करने को कहा गया था, और फिर लोगों ने जब खोला तो उन पर केस किए गए, उनकी दुकान का सामान उठाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, लोगों के पास ऑनलाइन परचेज करने की क्षमता नहीं है, तो आसपास की जो गली मोहल्ले की दुकानें थी वहीं से ज़्यादा राशन आ रहा था। स्वास्थ्य की कार्य बात तो जैसा अमरीन ने बताया भी कि अन्य बीमारियां हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग डॉक्टर तक नहीं जा रहे थे और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो दवाइयां ले सकें। एक बड़ी चीज़ और जो सामने आई है कि महिलाओं और बच्चों पर इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, और इस बारे में अगर बहुत जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया इस समस्या को, तो डिप्रेशन और मानसिक तनाव के बहुत बड़े रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। क्योंकि जिन महिलाओं से बातचीत की, जिन बच्चों से बातचीत की है, उसमें लगातार ये आया है कि उन्होंने मतलब जीवन ही बदला हुआ लग रहा है, उनके तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों से लोग जूझ रहे हैं। और घर में भी जब पैसा कम हुआ, राशन कम आ रहा है, तो सबसे पहले कटौती जो है वो पोषक तत्वों की हुई, और बच्चे और महिलाएं उससे बहुत प्रभावित हुए। जो लॉकडाउन के दौरान जिन परिवारों से बातचीत की गई इस पूरे सर्वे में, उसमें कई परिवारों में गर्भवती महिलाएं भी थीं, उनका भी डेटा है, कम है, 2-3% परिवारों में थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण और मायने खेज वहां से रिजल्ट्स आए हैं। मैं अभी तक की बातचीत के साथ ही कुछ आंकड़ों के साथ में एक प्रेजेंटेशन रखना चाहूँगा, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कैसे जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के दौरान जो रिजल्ट्स आए, कितने लोगों ने किस तरह के जवाब दिए, और उससे हम किस तरह की एक हम किस तरह का उसमें वो निकाल रहे हैं, उससे नतीजा क्या निकाल रहे हैं। मैं अभी ये साथी अगर देख पा रहे हैं तो ये एक जो सर्वे किया है, उस सर्वे में हम पाते हैं कि कोरोना काल में जो शहरी गरीब हैं, उनका जो उन लोगों ने जानकारी भी मांगी स्वास्थ्य के बारे में, कोविड की जानकारी मांगी, कोविड के मरीजों की बात डॉक्टर से करवाना, ये सब किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, लगभग 60% लोगों ने रोजगार, लॉकडाउन में काम धंधे, स्कूल और वैक्सीनेशन, इसके बारे में जानकारी चाही गई। और ये बताता है कि किस तरह से लोग उस जानकारी के लिए भटक रहे थे और उनको कैसे जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मैं एक बार, साथी कह रहे हैं कि ये दिख नहीं पा रहा है, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ इसकी। साथियों, अभी अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिखना शुरू हो गई है, ये जो नतीजे हैं इसमें बहुत जो बातचीत की गई है, उसमें लोगों ने ज़्यादातर जो बातचीत की वो रोजगार, लॉकडाउन में काम धंधे, स्कूल और जो वैक्सीनेशन और अन्य तरह की जानकारी चाही। इस जानकारी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी कि 7% बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास कर पा रहे थे, महज 7% बच्चों के ये आई जानकारी निकल के। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास के बारे में और अगर बात करें हम, तो
जो 90.7% परिवारों ने बताया कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ये 264 परिवारों ने इस तरह का जवाब दिया और ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि उस पूरे दौरान आप देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। पिछले बार भी इस तरह की समस्याएं आई थी और इसमें लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन क्लास की उनके पास सुविधा नहीं है, और इस बार फिर यही चीज़ निकल के आई है। 7 परिवारों का कहना था कि मोबाइल और डेटा नहीं होने के कारण उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम निकाल देते हैं, ऑर्डर सरकार ने निकाले कि ऐसे होगा, लेकिन कितने लोग कैपेबल हैं और किन कौन से परिवार जो मार्जिनलाइज परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं उन ऑर्डर्स से, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 115 परिवारों ने सीधे तौर पर काम की ज़रूरत और आर्थिक परेशानी को सबसे बड़ी और अपनी पहली समस्या बताया है। बाकी परिवारों ने भी आर्थिक दिक्कतों का जिक्र किया है और वो अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि उन्हें लॉकडाउन से परेशानी हुई है। इसमें 6 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा परेशानी बताई है। एक तो काम धंधे पर असर और आर्थिक स्थिति खराब हुई है। दूसरा, आवागमन प्रभावित हुआ है, जो सामान्य तौर पर ये अस्पताल जाने से लेके अपना जो छोटा मोटा धंधा खुला हुआ था उसको भी करने के प्रति लोगों ने बहुत मुश्किल हुई इस कर्फ्यू के दौरान। खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। ज़्यादातर परिवारों ने कहा है कि उनके यहाँ राशन की किल्लत है। बहुत कम करके भी भोजन बनाने की बात आई है कि उन्होंने जो भोजन सामान्य तौर पर बनता था उसमें कटौती की है। कई परिवारों ने इस तरह की बात कही है। स्कूल बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई है, ये तो कहा ही सभी साथियों ने। और कोविड और गैर कोविड दोनों तरह की स्वास्थ्य की दिक्कतें भी बहुत थी। एक जो महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर लगातार बात की जा रही है, कि सही और आधिकारिक सूचना का अभाव था। जो सूचनाएं दी गई वो ट्विटर के माध्यम से दी गई या TV के माध्यम से दी गई, लेकिन वो जमीन तक पहुंची, लोगों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसकी कोई फौरी व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो आमदनी के कारण बहुत परेशानी हुई है, और ज्यादातर महिलाओं ने ये किया है कि राशन की किल्लत और आमदनी कम होने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। घर में झगड़े बड़े हैं, मारपीट आम हुई है, और जो गर्भवती महिलाएं थी वो आंगनबाड़ी बंद होने के कारण उनको पोषण आहार नहीं मिला है। ये ज्यादातर महिलाओं की स्थिति थी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई घर चलाने की जिम्मेदारी चूंकि महिलाओं पर रहती है, इसलिए उनको इस समय सबसे ज्यादा यही थी कि लोगों को अपने घर के सदस्यों को खाना कैसे खिलाया जाए। इसके साथ उनके जो काम की खराब स्थिति थी और किराए वगैरह की दिक्कतें थी वो भी महिलाएं झेल रही थीं। पुरुष बाहर निकल जाते थे, आमतौर पर उतनी छूट थी पुरुषों को कि अपने गली मोहल्ले नुक्कड़ पर दिन दिन भर बैठे हुए दूसरे काम कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या गप्पबाजी कर रहे हैं, लेकिन घर में महिलाओं को ये लगातार वो अकेले उससे जूझती रही हैं। ये रहा है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के भीतर डर का माहौल है। वे डरे हुए थे कि लोगों के वो एक दूसरे से जब बात हो रही थी तो लगातार मौतों की बात हो रही थी, बीमारियों की बात हो रही थी और सरकार के आदेशों की बात हो रही थी, तो बच्चों के अंदर इनको सुनकर एक लगातार डर पैदा हो रहा है और उस डर को किसी ने एड्रेस नहीं किया है। बच्चे चिड़चिड़े भी हुए हैं, जो आई है अन्य साथियों ने भी कहा है कि बाहर जाने से नहीं मिल रहा है उनको। जिन घरों में मोबाइल और TV है उन तक बच्चों देख तो रहे थे लेकिन उसमें भी पहुंच नहीं थी, क्योंकि बड़े भी वहां पर थे तो बच्चों को मोबाइल और TV कम मिल रहा था। खास करके TV पर तो उनका कम समय बीत रहा था, जो अगर कार्टून वगैरह भी कोई मध्यवर्गीय परिवारों में देख पा रहे थे ये दिक्कत आई। पोषण आहार का जिक्र बार बार किया। बच्चों की खुद की माताओं ने कहा है कि उनके वेट लॉस की भी है, अगर इसको एक अलग ढंग से हम कोशिश करेंगे कि आगे कर पाएं इसे, कि बच्चों के वजन में कमी इस दौरान आई हो सकती है, ये माताओं ने कहा है, देखने से उन्हें लगता है। बच्चों ने सवाल भी किए हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये रही है कि बच्चे सवाल इस दौरान बहुत करने लगे हैं कोरोना के बारे में। खेलने बाहर जाने से रोकने पर उन्होंने तमाम तरह के सवाल किए हैं और वो गुस्से में हैं। लॉकडाउन में अगर हम सामान की कमी की बात करें तो कर्फ्यू में किराने के सामान की कमी सबसे ज़्यादा लोगों ने जिक्र किया है इसका। ये
लगभग 318 उत्तरदाताओं में से 85 परिवार यानी 26.7% लोगों ने किराना शॉप की कमी के बारे में बताया। क्योंकि ये भोपाल में स्टडी की गई थी, तो भोपाल में शुरुआत में 56 दुकानों को ये दिया गया था कि वो शहर में राशन की सप्लाई करेंगी, तो फिर बाद में बढ़ाकर जैसे 150 पे किया गया। लेकिन जो गली मोहल्ले के स्थितियाँ थी उनमें बहुत दिक्कत आई और उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा था सामान। इसी तरह 13% लोगों ने अटेंडेंट अस्पतालों में अटेंडेंट की कमी की परेशानी बताई, जो नॉन कोविड इलाज के लिए भी जा रहे थे या कोविड इलाज के लिए भी थे, तो वहां पर अस्पताल में कोई भी अटेंड करने वाला व्यक्ति नहीं है, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही अस्पतालों में कहां क्या होगा, ये बड़ी आई। 7.5 परिवारों ने सब्जी और फल के ठेले ना चलने की कमी का भी परेशानी बताई। ये परिवार वो परिवार थे जो सब्जी और ठेले का काम नहीं करते हैं, उन लोगों ने ये परेशानी बताई, मतलब सब्जी और फल मिलने में भी परेशानी हुई है। अन्य लोगों ने सफाई कर्मचारी, नर्स, गुटखा और अन्य परेशानियों के बारे में जिक्र किया। इस दौरान गुटखे को लेकर, सिगरेट को लेकर लोगों में काफ़ी वो थी, खपत भी थी और लोग इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि दाम भी उन्होंने ज़्यादा दिए हैं। कमाई पर असर की बात करें तो 73% परिवारों ने हमें बताया है कि लॉकडाउन के कारण उनकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब जो कमा रहे थे उसमें बिल्कुल भी नहीं था और उन्हें उधार या फिर अपनी जमा पूंजी पर भरोसे रहना पड़ा है। 5% परिवारों ने ये कहा कि उनकी कमाई 70% रह गई है, यानी 30% की कमी आई है। इसी तरह 13 परिवारों मतलब 4.1% परिवारों ने कहा है कि उनकी कमाई आधी रह गई है, और 14.1% परिवारों ने 30% कमाई का दावा किया है, इनकी कमाई में 70% की कमी आई है। मतलब कुल 320 परिवारों में से 3.7% परिवारों ने ही ये कहा है कि उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो पहले की भांति रही है 12 परिवारों में। तो मतलब लगभग 96% लोगों ने ये कहा कि उनकी कमाई प्रभावित हुई है। और जिन परिवारों के बीच ये सर्वे किया गया है उनकी मासिक कमाई 6,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कमाई में 30% की कमी का भी क्या मतलब हो सकता है और वो किस हद तक वो पूरी तरह प्रभावित होते हैं। जो परिवारों में से हमने बात की है उनमें से 145 परिवारों की जो मासिक आमदनी थी और 165 परिवार दिहाड़ी यानी और धंधे या बिक्री पर किसी पर भी निर्भर थे। इनमें से 64.8 परिवार यानी 206 परिवारों ने बताया कि उनके परिवार में एक ही कमाने वाला सदस्य है। ज़्यादातर परिवारों ने मतलब ये 64.8 लगभग 65% लोगों ने कहा कि एक परिवार कमाने वाले हैं बाकी खाने वाले हैं। 18 परिवार ऐसे थे जिनमें कि कोई भी सदस्य कमाता नहीं है और वो परिवार पड़ोसियों, रिश्तेदारों या फिर भीख मांगकर गुजर बसर करते हैं। 64 परिवारों ने बताया जो 20.13% है 20.13% इनमें दो सदस्य पैसा कमाते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या 5.97 लगभग 6% है जहां कमाने वाले सदस्यों की संख्या 3% रही। इसी तरह 4 परिवार के सदस्य जहां कमाते हैं वो परिवार 1.89 परिवार हैं 6 परिवार। 2 परिवारों में 5 सदस्य कमाने वाले थे और 3 बार परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की संख्या 6 है। इन 238 परिवारों ने मतलब 81.8% लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि 53 उत्तरदाताओं ने 18.2 ने बताया कि वेतन मिल रहा है, और 260 परिवारों का कहना है कि इस दौरान उनके पास काम नहीं रहा है लॉकडाउन के दौरान। राशन की स्थिति की इसी तरह बात करें तो इन परिवारों में से 3,000 रुपये से कम खर्च करने वाले राशन पर लगभग 17.6% परिवार थे, और जो 1 से 2,000 रुपये खर्च करते हैं वो 3.8% परिवार थे। 6.3 परिवार यानी 20 परिवार ऐसे हैं जो 2 से 2,500 रुपये खर्च करते हैं, और 25 परिवार ऐसे थे जो 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करते हैं। ये लगभग जो 18% के आसपास जो परिवार थे वो सबसे ज़्यादा पार्जलाइज थे, ये मतलब 3,000 रुपये से कम वाले। बाकी 262 परिवारों ने बताया कि वो 3,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी मासिक राशन पर।
आंगनवाड़ी का बहुत ही बुरा हाल रहा है और 275 परिवारों ने, ऐसी 90% परिवार, 98% परिवारों ने बताया कि उन्हें आंगनवाड़ी से किसी तरह का कोई राशन नहीं मिला है। और जो राशन की दुकान से राशन मिलने की जब बात आई तो 44.1% यानी 128 परिवारों ने कहा है कि उन्हें राशन नहीं मिला है। 162 परिवारों ने कहा कि उन्हें राशन मिला है, मतलब 44% के आसपास राशन नहीं मिला है। उसमें से ज़्यादातर परिवार वो हैं जिनके पास राशन कार्ड है उसके बावजूद नहीं मिला है। इन जिन 162 परिवारों को राशन मिला है उनमें से 52 परिवारों को, 92 परिवारों को एक महीने का, 65 परिवारों को दो महीने का और 5 परिवारों को 3 महीने का राशन मिला है। तो ये राशन की स्थिति है। जिन परिवारों से बात की है उनमें ज़्यादातर ने बताया कि उनके पास BPL राशन कार्ड हैं, 89.5 परिवारों ने कहा, और 83 यानी 26% परिवारों ने बताया कि उनके पास किसी तरह का राशन कार्ड नहीं है, जबकि 25 परिवारों ने, 10.5% ने बताया कि उनके पास सामान्य राशन कार्ड है। घर की मालिकाना स्थिति की बात करें तो निजी मकान जिनके हैं उनके परिवारों की संख्या 191 थी, इनमें 59.9% यानी लगभग 60% जो रिस्पोंडेंट थे उनके पक्के कच्चे घर या झोंपड़ियां या साझा घर हैं। कई परिवार एक साथ रहती हैं, एक कमरा मिला हुआ है उनको या कोई झोंपड़ी है उसे, वो अपनी झोंपड़ी है उनकी, इस तरह का रहा। और 35.1% लोग थे जो कि किराए के मकान में रह रहे थे। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि जो जिनके पास स्वयं का मकान है वो मार्जिलाइज नहीं थे, उनके मकान अपने थे लेकिन मकान की स्थिति बहुत खराब रही कई परिवारों में, जबकि किराए के मकान से जो लोग रह रहे थे वो फिर भी बेहतर स्थिति में कई जगह रहे, कई जगह किराए के मकान में रहने वाले भी बहुत बुरी हालत में है। 17 परिवार इनमें से बेघर थे जो कब्जे की जमीन पर या फिर अपने कहीं फुटपाथ पर रहते थे, ऐसे परिवार भी 17 परिवारों से बातचीत हुई। जिन सदस्य संख्या की बात अगर करें हम तो हमारे पास लगभग 1.6% परिवार ऐसे आए जिनके घर के सदस्यों की संख्या 10 से ज़्यादा थी। 10 सदस्यों वाले परिवार 1.9% थे, 9 सदस्यों वाले 0.3%, 8 सदस्यों वाले परिवार 2.8% और 7 सदस्यों वाले परिवार 7.2%। ये छोटे छोटे परिवार रहे हैं, 7, 8, 9, 10 और 10 से अधिक वाले। बाकी जो मेजर संख्या रही है वो जिन परिवारों में 4, 5 या 6 सदस्य हैं उन परिवारों का, 4 सदस्य वाले परिवार 25% थे, 5 सदस्यों वाले 27.5% और 6 सदस्य जिन परिवारों में हैं वो 16.3%। तो ये लगभग 65% के आसपास परिवार ऐसे थे जिनकी सदस्य संख्या 4, 5 या 6 है। उसके अलावा 3 सदस्यों वाले 11% परिवार थे और 2 सदस्यों वाले 4.4% थे। 7 सदस्य परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 सदस्य है जो या तो घुमंतु हैं या फिर कहीं पर अकेले अपना किराए का मकान लेके रह रहे हैं। तो इस दौरान कुल मिलाकर हमारी 1,565 नागरिकों तक पहुंच बनी और उनके बारे में ये पूरा सर्वे किया गया है। कोविड की स्थिति की बात करूं अगर मैं तो 274 परिवारों में घर के किसी सदस्य को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। 23 परिवार ऐसे हैं जहां की घर में कम से कम एक या एक से ज़्यादा परिवार को वैक्सीन लगी है, जबकि 13 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 सदस्यों को और 7 परिवारों में 3 सदस्यों का वैक्सीनेशन हुआ है। 1 परिवार में 4, 1 में और 1 में 7 सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई है। ये स्थिति थी। कोविड की बात करें अगर तो 98.4% मेजर परसेंटेज ये कहा है कि उनके परिवारों में कोई भी सदस्य ना तो अभी कोविड संक्रमित है और ना पहले हुआ है। ये 98.4% लोगों ने कहा। सिर्फ 5 परिवारों ने ये कहा कि उनके यहाँ कम से कम एक व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि लोग बताने के प्रति भी उत्सुक नहीं है कोविड की क्या स्थिति है। कोविड के कारण अगर मौत के कहें तो 18 परिवारों ने ये कहा कि उनके यहाँ कम से कम एक व्यक्ति की कोविड से मौत हुई है। 78 उत्तरदाताओं ने ये कहा कि उनकी जान पहचान के लोगों में कोविड से मौत हुई है और इन्होंने कुल 370 से ज़्यादा कोविड डेथ का उल्लेख किया था। और मतलब एक व्यक्ति की अगर माने बात तो वो 4.7%
डेथ जो है अपने आसपास लोगों ने देखी है, कम से कम 4 से 5 डेथ हर व्यक्ति के खाते में, कि वो पता है कि 4-5 लोग उसके आसपास की डेथ हुई है। जिन जगहों पर ये सर्वे किया गया उनमें जानकी नगर, चूना भट्टी, पीरगेट, रातीबड़, बरखेड़ी, कोलार, लालघाटी ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने अपनी जानकारी में 15 से 50 मौतों तक का जिक्र किया। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ज्यादातर परिवारों ने ये कहा कि उनके यहाँ कोई भी गैर कोविड बीमारी नहीं है, 88.8% परिवारों ने ये कहा, और 9% परिवारों ने बताया कि उन्हें कोविड के अलावा कोई ना कोई बीमारी जरूर है। इन बीमारियों में खासतौर से मिर्गी, डायबिटीज, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन, टीबी और किडनी पथरी की समस्या और एलर्जी जैसे बीमारियां शामिल हैं। आजीविका की अगर बात करें तो 314 परिवारों ने अपने आजीविका के साधनों के बारे में हमें जानकारी दी, जिनमें से 21.3 परिवारों ने अपना खुद का धंधा करने की बात कही। 18.8% लोगों ने कहा कि वो कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं जहां उन्हें बंधा बंधाया वेतन मिलता है, और 120 परिवारों ने मतलब 38.2% लोगों ने बताया कि वो दिहाड़ी पर निर्भर हैं, कभी मिल गया काम कभी नहीं मिला है। 68 परिवारों यानी 21.7 परिवारों ने अन्य स्रोतों पर अपनी निर्भरता बताई कि वो कुछ किराए से ले रहे हैं या फिर कुछ बेचकर अपने यहाँ कुछ उगाकर या वो घर से उनके पैसा आता है, इस तरह से उन्होंने बताया। 6 परिवारों ने अपनी आजीविका के बारे में जानकारी नहीं दी। तो ये मोटे तौर पे साथियों ये वो थे नतीजे जो हमारे सामने आए थे, और इन नतीजों में आप एक बात जरूर देखेंगे कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इन नतीजों के जो फाइंडिंग्स हैं इनका, इनमें दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं कि लोगों के काम धंधे का असर और काम धंधे की वजह से उनको जो परेशानियां आई हैं वो लिंक्ड हैं। मतलब लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाने की वजह से काम धंधे प्रभावित हुए, वो घर में कैद हो गए, और उसके रिपरकेशंस क्या क्या हुए। घर में जब कोई व्यक्ति रुकता है जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके क्या नतीजे निकले, घर पर किस तरह का असर पड़ा, ये सारी चीजें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इन पूरी जानकारियों को हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और उसका लिंक भी आपको मुहैया करा देंगे, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी फेसबुक के वो डाल देंगे। अन्य साथियों के अगर कोई सवाल हो और कोई बातचीत करना चाहते हो तो स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और आप भी साथी, ओवर टू सीमा। सीमा आप बताइए, आपका जो पूरी सर्वे में आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही आपको। हेलो, अभी आ रही जी? हाँ, निघंत से सवाल है मेरा कि शुरुआत से लेके जब से अपन ने टूल डिजाइन किया, ये स्टेनर जो है वो डिजाइन किया था अपन ने, और उसके बाद आप लोगों ने कॉल्स करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, और ये पूरे प्रक्रिया में आपने कई लोगों से बातचीत किया और उनके उनको समझने की भी कोशिश की, एक तरह से कई जगहों पे आपने काउंसलिंग भी किया है कई सारे लोगों का, तो आपने पूरा जब पूरा काम किया है, आपको क्या लग रहा है आपके पैरेंट लीगल टीम के तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहोगे? 350 लोगों से बात करने के बाद आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि क्या एक्शन होना चाहिए, क्या मन में है आपके? मेरे मन में तो ये है कि मेरा सुझाव ये रहेगा कि जितने परिवारों से हमने बात की, अगर हम राशन की दुकान का अगर मैं एक उदाहरण दूं, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे सरकार ने बोल दिया था कि हम 3 महीने का राशन आपको फ्री में देंगे, लेकिन आम नागरिकों को नहीं पता होता कि उनके अधिकार क्या है, क्योंकि राशन वाले तो बोल देते हैं कि 2 महीने का है तो आपको 1 महीने का मिलेगा, अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सीएम हेल्पलाइन नंबर जब चालू करा गया कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने कई लोगों को सीएम हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया और उनकी जो राशन की समस्या है उस पर कॉल करके वो उनसे बात करें, तो जो सरकार ने जो चीजें खोली हैं तो उस पर ही उनका रिस्पांस नहीं आ रहा सर, सीएम हेल्पलाइन नंबर की तरफ से। लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं इस तरह की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, जबकि सीएम हेल्पलाइन नंबर है ही इसलिए कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए। तो मुझे लगता है कि जो चीज सरकार निकाल रही है जो भी स्कीम, तो वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करे, सिर्फ कागजों पे ना रखे। थैंक्स सायरा, आप कुछ जोड़ना चाहोगे कि आगे के एक्शंस में आप क्या देखते हैं, आप क्या सुझाव देखना चाहते हैं? आप मेरा सुझाव ये है कि अभी तक हमने जो महिलाओं की स्थिति देखी, स्वास्थ्य की स्थिति देखी, साथ में जो है बच्चों की स्थिति देखी, तो इससे हमारी सारी जो दैनिक दिनचर्या है या हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो इसमें सिर्फ लॉकडाउन लगाने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, साथ में अगर कोरोना बीमारी है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि इन्हें उसके लिए उतनी सुविधाएं भी उपलब्ध हो। लॉकडाउन अगर लगा है तो ऐसी व्यवस्था भी हो कि लोगों को पर्याप्त राशन, पर्याप्त रोजगार, ये सारी चीजें जो है वो घर पर ही घर मिले, जिससे वो घर से बाहर ही ना जाए, ना बाहर जाएंगे ना ही कोरोना होगा। लेकिन इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी कि हम क्या व्यवस्था जनता को दे रहे हैं। थैंक्स सायरा। अमरी, आपकी अपेक्षा आप रखेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जैसे निघट ने जब अपना शेयर किया था कि जब लॉकडाउन लगा था और लोगों के जो काम की स्थिति थी और उनके घर के जो राशन की स्थिति थी, जैसे हमेशा है कि रोज का खाने मजदूर रोज के जो खाने कमाने वाले लोग हैं तो वो रोज लाते हैं और रोज खाते हैं, और सरकार मतलब अचानक से ना ये घोषित कर देती है कि आज से लॉकडाउन लगेगा या फिर 2 दिन के बाद से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह का हुआ था, लोग काफी परेशान हुए थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई खाने का राशन नहीं था, और सिर्फ गल्ला देने से या चावल देने से उनके घर का खाना या उनका पेट नहीं भरेगा, और भी कई चीजों की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है उनको, जिसकी वजह से उनका घर चले और उनका पेट भरे। तो इस तरह का भी है कि सरकार अगर किसी भी लॉकडाउन को लगा रही है तो उसके लिए उसको पहले उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, गरीब तबके के लिए सोचना चाहिए कि किस तरह उनका जो रोज का खाने पीने का है, जो रोज की जरूरतों की चीजें हैं जिसके वजह से वो आज जी रहे हैं, तो उसकी सुविधाओं को किस तरह मतलब दे सके, तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। प्रदीप, आप कुछ बोलना चाहोगे, आपकी अपेक्षा? जी, मैं तो जो अपन लोगों ने सर्वे किया, लोगों से जो बात निकल कर आई, उनसे बात से हमें यही अनुभव लगा कि जो सरकार की रणनीतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं है। अगर हम इसको इसके देखें कि लोगों को बोल रहे हैं सरकार कि हम 5 महीने का राशन देंगे जिससे लोगों की जरूरतें खाने की पूरी होगी, लेकिन हमें लगता है ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो जाता है ऐसा या ऐसी रणनीति, क्योंकि अगर कोरोना महामारी है तो वो सबको है और सब लोग प्रभावित है, उसमें सरकार को बाइफरकेट ना करते हुए वो सभी जनों के लिए अगर इन सुविधा मुहैया कराएंगी तो जिनके पास है वो इस सुविधा का लाभ नहीं लेंगे और जिनके पास नहीं है उनको बकायदे सुविधा का लाभ मिले। तो जो राशन की दुकान खुल रही है, नहीं खुल रही है,
या चोरी छुपे खोल रहे हैं, गली मोहल्लों में खोल रहे हैं, और वो ज्यादा पैसा लोगों से आ रहे हैं, तो सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा, सिर्फ हमें यही बोले। ठीक है, थैंक यू प्रदीप, और पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी बात रखी। आपने बहुत मेहनत किया, खास करके मई महीने में जब बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था लॉकडाउन के समय पे, लेकिन आपने उस समय में भी कोविड सपोर्ट के साथ साथ आपने ये काम किया। आपको सलाम सभी साथियों को, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम यहाँ पे नहीं रुके। ये स्टडी में से हमारे जितने भी फाइंडिंग्स आए हैं, इसमें से हमें ये तो समझ में आ रहा कि गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, जो परिवार है, वो गवर्नमेंट के पूरे दायरे से बाहर है। स्कीम्स हो, सर्विसेज हो, मदद हो, कुछ भी हो, वो बाहर है, और उसको कैसे शामिलियत मिले, और वो कैसे एज अ राइट्स होल्डर, अधिकार धारक व्यक्ति, उन्हें अपने पूरे अधिकार और एंटाइटलमेंट्स कैसे मिल सके, और वो आके आगे अपने अधिकारों के लिए, अपने एंटाइटलमेंट्स के लिए डिमांड रखे, ये हमारा, मुझे लगता है, परवाज़ टीम का काम आगे रहेगा। इस साल हम लोग अपने ऑडियंसेस को बता दें, इस पिछले साल हम लोग के पूरे टीम ने, एका के टीम और अन्य जनसंघ संपर्क समूह के पूरे टीम्स ने मिलकर कई क्विंटल, कई टन्स एंड टन्स ऑफ हम लोगों ने खाना बनाया, पकाया, बांटा, और कच्चा राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये अंतहीन चला। साथ में विदिशा बाईपास पर हम लोगों ने 3-4 लाखों वॉकिंग माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स पैदल चल के जा रहे थे, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ काम हुआ, और ये सारी चीजें वॉलेंट्री ही रही, सिर्फ हम ही नहीं, कई सारे वॉलेंट्री ग्रुप्स ने मिलकर किया। इस साल हम लोगों ने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम किसी भी तरीके का खाने, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करेंगे। इस साल हम फोकस करेंगे कि हम कुछ राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव्स करें, हम समुदाय से बात करें और उनको संगठित करें, और उनसे ये कहे कि आप आगे बढ़कर अपने राइट्स को डिमांड करो। अगर पीडीएस की दुकान में, आपको कंट्रोल की दुकान में अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग जाइए, एज अ ग्रुप जाइए, अपने इलेक्ट्रेट जो भी जनप्रतिनिधि है वहां तक पहुंचिए, उनको हिलाइए, कहीं पे कुछ ना कुछ तो हिलाइए, थोड़ा सा अपना जगह छोड़ के हिलिए, संगठित होकर काम करिए, कुछ ना कुछ तो जरूर हिलेगा व्यवस्था। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए परवाज़ का काम हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट भी उसी सोच का एक हिस्सा है। रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म में हम लोग संविधान लाइव के वेबसाइट और एका के वेबसाइट पर अवेलेबल करवा देंगे। आप लोग इसे जरूर पढ़िए और इस पे कमेंट्स दीजिए। बहुत ही शॉर्ट रैपिड असेसमेंट था, तो कई सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, खास करके महिला हिंसा या विमेन और विमेन के सेक्सुअलिटीज पर जो खास प्रतिबंध लगाया जाता है इन समय पर, घुमंटक समाज के जो परिवार हैं उनकी स्थिति, जो बेघर बच्चे हैं या चाइल्ड हेडेड फैमिलीज हैं उनकी स्थिति, सेक्स वर्क में जो महिलाएं हैं या अन्य ट्रांसजेंडर पर्संस है, ट्रांस कम्युनिटी है, ये सारे जो बहुत ही अति आवश्यक मुद्दे हैं, बहुत जरूरी मुद्दे हैं, इनमें हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अन्य साथी भी, अन्य ग्रुप्स भी इन मुद्दों को उठाए और वो अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, और हम लोग मिलकर, आप हम सब मिलकर इस तरीके की एविडेंस जनरेट करें, इसे डॉक्यूमेंट करें, ताकि ये दावा हम लोग बार बार ना सुने कि जब कोविड 1 था या कोविड फेज 2 था या वेव 2 था, तब गवर्नमेंट पूरी चीजें, पूरी व्यवस्था कर चुकी थी, सारी चीजें अवेलेबल थी जनता को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब काम हो रहा था। गवर्नमेंट क्लेम्स ही नहीं, हम अपनी बात को रखें, हम अपने नैरेटिव को, अपने सच को बताएं, और ये सच बताने की प्रक्रिया हम लोग जारी रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े, हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।